रात का समय था, रोहित मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। चल कवर दे कवर दे कवर दे कवर दे, यस यस शाबाश। रोहित की मम्मी आती है। क्या हर वक्त पबजी पबजी पबजी, खाना भी नहीं खाता? ये सेब और छुरी छोड़ के जा रही हूँ, काट कर खा लेना। मम्मी चली जाती है। रोहित पबजी में ही लगा था कि अचानक गेम ऑफ हो जाता है। ये क्या, अभी तो ठीक चल रहा था। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? तभी टीवी पर पीएम की मन की बात चलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। यह सुनकर रोहित एकदम बौखला जाता है। पबजी बैन हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? अब तो मर जाना ही बेहतर है। ये मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? छुरी छुरी कहाँ है? आ आ छुरी कहाँ है? आ छुरी। रोहित सेब की प्लेट में रखी छुरी उठाता है और अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करता है। यह हाल सिर्फ रोहित का ही नहीं था। पबजी बैन की खबर सुनकर देश के सैकड़ों नौजवानों की यही हालत हुई थी। किसी ने फांसी लगा ली तो कोई छत से कूद पड़ा। कहते हैं कि कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वह बदले की आग में जलती हुई भटकती रहती है। इन लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात का समय था, शहर सुनसान था। तभी हाथ में बंदूक के बम और गोले लेकर कुछ सिपाही सड़कों पर चलते दिखाई दिए। सड़कों पर चलते लोगों को लगा कि होगी कोई मिलिट्री की फौज, पर यह वह भूतिया फौज थी जो अब पबजी खेलने सड़क पर उतरी थी। एक दो अटैक। बंदूकें चलने लगती हैं, बम गिरने लगते हैं, गली मोहल्ले फटने लगते हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियां और इंसान खेल की तरह भूतों का खिलौना बन जाते हैं। यह हाल सिर्फ रास्तों का ही नहीं था, बल्कि अपने घरों में भी कोई सुरक्षित नहीं था। भूतिया फौज एक बिल्डिंग को घेर लेती है, हर घर हर दरवाजे पर जाकर बम लगा देती है। घरों में घुसकर लोगों को छलनी करने लगती है। पुलिस आती है, बिल्डिंग को घेर लेती है। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। पुलिस को देखकर सारे भूत हंसने लगते हैं, आसमान में उड़ते उड़ते गोलियों की बरसात करते हैं। What? सर, अंधेरी में हमला हुआ है, हमें निकलना चाहिए। अभी तो यहाँ थे, अब अंधेरी। हम इंसान हैं और वो भूत, हमारे अंधेरी तक पहुँचते पहुँचते वो कहीं और निकल जाएंगे। तो सर अब करें तो क्या करें? दिल्ली फोन घुमाओ। दिल्ली को शहर के हालात के बारे में पता चलता है तो दिल्ली भी कांप जाती है। सरकार पर विरोधियों का प्रेशर बढ़ जाता है। ये सरकार बस अपने मन की बातें करती रहती है। देखा, पबजी बैन करने का नतीजा, कल 100 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली और आज वही 100 नौजवान भूत बनकर शहर में पबजी पबजी खेल रहे हैं। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? पीएम ने तुरंत डिटेक्टिव करण को बुलावा भेजा। करण, शहर की हालत का अंदाजा आपको है, आपने ऐसे ढेरों केसेस निपटाए हैं, क्या मैं आपका टिकट बुक कर दूं? कहिए कब निकलना है? करण शहर में आता है, पुलिस अफसर के साथ बात करता है। दिन में गायब रहते हैं और रात को हंगामा करते हैं, आप उन्हें कैसे रोकोगे? इन भूतों की कमजोरी है पबजी, और कमजोरी का फायदा उठाना करण अच्छी तरह जानता है। रात होती है, करण को फोन आता है। सर, पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। करण तेजी से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है। इधर भूत बम और बंदूकों से हेडक्वार्टर्स का नामो निशान मिटा रहे थे। जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी। तभी वहां करण पहुंचता है। जय पबजी। भूत करण की तरफ बढ़ते हैं। जय पबजी, कौन है तू? मैं डिटेक्टिव करण, मोदी जी ने भेजा है मुझे। हमें मारने के लिए? हम उसी वक्त मर गए थे जब पबजी बैन किया था, अब मरेंगे नहीं, सिर्फ मारेंगे।
तुम गलत समझ रहे हो, मैं मारने नहीं समझाने आया हूँ। मतलब? देखो, पबजी हमारा नहीं, हमारे दुश्मन देश का गेम था। उसको बैन नहीं करते तो चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती और वो चीनी हम पर हमला करते। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। पबजी पर से बैन हटाओ, हम सब चले जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता, पर एक काम हो सकता है। क्या? पबजी जैसा ही एक हिंदुस्तानी गेम लॉन्च होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप सभी भूतों को इस गेम में करेक्टर दिया जाए और आप सबको हमेशा हमेशा के लिए अमर किया जाए। क्या आप इस हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो? सारे भूत कुछ सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, हम तैयार हैं, बोलो हम क्या करें। आप सब इस बोतल में आ जाइए, जल्दी ही आपको नए हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल करके लॉन्च किया जाएगा। सारे भूत बोतल में घुसकर कैद हो जाते हैं। करण बोतल का ढक्कन लगाता है। सर, क्या सच में पबजी जैसा गेम लॉन्च करने वाले हैं? आप भी पबजी खेलते थे? नहीं सर। फिर आप बेवकूफ कैसे बन गए? मान गए सर आपको, आपको भी और मोदी जी को भी, आप दोनों को शत शत नमन। PUBG is back। मोदी जी की ये मन की बात तो आप सभी ने सुनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से, बल्कि अभी से हम PUBG गेम समेत 118 चीनी एप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में PUBG को बैन किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में कितना हंगामा हुआ। PUBG बैन होने का सदमा बर्दाश्त ना होकर कितने पबजी पीड़ित युवकों ने आत्महत्याएं कर ली, ये सब तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा। पबजी हिंदुस्तान से चला गया और जाते जाते सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करके चला गया। उन्हीं युवकों में से एक था श्यामल दास। दिन रात बस पबजी खेलता था, पबजी के किरदारों जैसे कपड़े पहनता था और उन्हीं के जैसी हरकतें करता था। मतलब श्यामल दास पबजी एडिक्ट था। मस्ती मस्ती में उसके दोस्त उसे पबजी कहकर पुकारते थे। पबजी बैन होते ही इस पबजी ने भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कोई जुनूनी इंसान किसी जुनून की खातिर खुदकुशी करता है तो वो जुनून उसे चैन से मरने भी नहीं देता। श्यामल दास यानी पबजी के साथ भी यही हुआ। जिस शमशान में उसे जलाया गया था, उस शमशान का गार्ड उसके जुनून का पहला शिकार बना। अरे ये सिपाही वहाँ कौन खड़ा है? सुनिए सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सिपाही गार्ड की तरफ मुड़ा, गार्ड का दिल दहल गया, क्योंकि उसके सामने पबजी का भूत खड़ा था। पबजी इज बैक। पबजी के भूत ने गार्ड के सीने में अपनी भूतिया बंदूक के सारे जलते हुए अंगार खाली कर दिए और गार्ड ऑन द स्पॉट भस्म हो गया। दुनिया वालों सुन लो, मोदी जी सुन लो, रोक सको तो मुझे रोक लो, क्योंकि पबजी इज बैक। एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। पबजी तो खुद आग बनकर आया था। धीरे धीरे उसके साथ उन बाकी युवकों की भटकती हुई खौफनाक आत्माएं भी जुड़ गई, जिन्होंने पबजी बैन होने पर आत्महत्याएं की थी। पबजी ने अपनी फौज तैयार कर ली। वो मोदी जी से पबजी बैन का बदला लेने आया था। देखते देखते आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और पूरा देश चैन से सो रहा था। जय पबजी। फिर क्या था, किसी मिलिट्री की तरह पबजी पीड़ित भूतों की फौज आधी रात में तबाही मचाने सड़कों पर निकल पड़ी। सारा शहर सुकून से सोया था और अचानक बम गिरने लगे, गोलियां बरसने लगी, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और गोलियों और बम का शिकार बनने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से लिपटने लगी। सारा शहर खून के आंसू रोने लगा और भूतों की टुकड़ी जश्न मनाने लगी। जय पबजी। मोदी जी देख रहे हो ना, कैसे भाग रहे हैं आपके देशवासी। मारो, कोई भी बचने ना पाए, मारो। इस प्रकार रोज रात रोज नया शहर पबजी गैंग अपने अपने कब्जे में लेती और शहर को तहस नहस कर देती। लोग काफी डर गए थे और मोदी जी को पुकार रहे थे, मोदी जी बचाओ, हमारे क्या कसूर है, हम क्यों मारे जा रहे हैं, हम तो पबजी नहीं खेलते थे,
अरे हमारे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। मोदी जी बचाओ। भूतिया पबजी गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गई, नाकाम रही। आर्मी गई, वो भी नाकाम रही। और इस प्रकार पबजी गैंग का आतंक पूरे देश में फैल गया। ये नजारा देखकर मोदी जी दुखी हो गए। उन्होंने डिटेक्टिव करण को पबजी गैंग से समझौता करने भेजा। प्रेस के डिटेक्टिव करण भूतों से मीटिंग करने लगे। क्या चाहते हो? पबजी इज बैक। मोदी जी सुन रहे हो ना, 2 दिन के अंदर अंदर पबजी बैन हट जाना चाहिए। हर एक मोबाइल में बस पबजी चाहिए, नहीं तो आपके देश की खैर नहीं। ये सुनकर मोदी जी भी हैरान हो गए। सर, क्या पबजी को फिर से परमिशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करण। सर, रोज लोग मर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। माना कि संकट की घड़ी है, आर्मी पुलिस सब नाकाम है, लेकिन करण मुझे मेरे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। मेरा एक एक देशवासी हजारों सिपाहियों के समान है, चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। ये सुनकर करण मुस्कुराता हुआ बोला। सर आप ही जाने अपने मन की बात। फिर क्या, मन की बात प्रोग्राम शुरू हुआ और मोदी जी देश को संबोधित करने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने कोरोना से मुकाबला किया है, तो ये भूत क्या है, दिखा दो इन्हें एकता की ताकत। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दिए जलाने को कहा, आप मशाल जलाकर सड़कों पर उतर आए, तो अब क्यों घर में बैठे हो? मशाले जलाओ और जला दो सब भूतों को। उनका नारा है पबजी इज बैक, हमारा नारा होना चाहिए पबजी गो बैक। मोदी जी का भाषण सुनकर सारा देश खौल उठा और मशाले जलाकर सड़कों पर उतर आया। लोगों की एकता देखकर सारे भूत कांपने लगे। दूर रहो, पास मत आओ। पबजी गो बैक, भारत माता की जय। लोग भूतों की तरफ बढ़ने लगे और भूतों को पीटने लगे, जल्दी मशालों से भूतों को जलाने लगे। और देखते ही देखते सारे पबजी पीड़ित भूत जल गए और जलकर राख हो गए। भारत माता की जय। इस प्रकार देशवासियों ने एकता दिखाकर देश को खतरे से बचा लिया और पबजी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया।